मुजफ्फरनगर के कस्बा कदौली में योगी का बुलडोजर अतिक्रमण पर चल गया। अभी तक तो अतिक्रमण से आने जाने वाले लोगों को बाजार में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी तो वो दही चूरी और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दुकानें नहीं थी। मजदूर वर्ग के लोग अपनी रोजी रोटी सड़क किनारे बैठकर कमा रहे थे। उन लोगों के लिए तो अतिक्रमण हटना एक अभिशाप बन गया। कतौली में बूढ़ क्षेत्र में फल और सब्जी लगाने वाले दुकानदारों में रोष व्याप्त हो गया, जिससे एक तरफा कार्रवाई होने से दुकानदार नाराज हो गए। कई साल पुराने दुकानदार शुगर फैक्ट्री के द्वार के पास बने खोखे लगाए हुए, जिन्हें हटाने के लिए बार बार जोर दिया जा रहा है। तो वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हम लोग बेरोजगार हो गए। दुकानदारों का भी आरोप है कि बूढ़ क्षेत्र में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जिस तरफ पक्की दुकानें बनी हैं और सब्जियों की ठेली, फलों की ठेली लगी हुई है, शुगर मिल वाली साइड में लगे खोखों के दूरी सड़क पर लगभग 10 फीट दूर है, तब भी खोखे वालों को परेशान किया जा रहा है। अधिकारियों के सामने कुछ ऐसी तस्वीर भी आई है तो कुछ और ही बयान कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि अतिक्रमण को लेकर चारों तरफ हलचल मची हुई है। शहर को जाम मुक्त करने की कवायद को लेकर अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर लगातार दहाड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ मजदूर लोग सड़क किनारे बैठकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। बेरोजगार होने लगे तो कस्बे में जाम मुक्त होने की कवायद चल रही। अधिकारी के अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जाम से मुक्ति तो मिलेगी ही। एक तरफ लोग इस अभियान को लेकर ताली बजाएंगे तो दूसरी ओर अपने हाथों से गरीब अपनी रोजगार उजाड़ने पर भी विवश हो रहे हैं। कुछ लोग सब्जी विक्रेताओं व दुकानदारों ने तो आत्मदाह तक की धमकी दे डाली। जी हाँ, आपको बता दें अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। इससे निजात तभी मिलनी चाहिए, लेकिन इससे पहले इन मजदूरों के लिए एक विकल्प तलाश कर होमवर्क भी करना। ये अतिक्रमण को लेकर चल रहा है और अतिक्रमण में जहाँ मैं देख रहा हूँ शायद पक्षपात और भेदभाव हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि ये रोड है, अगर आप रोड के एक तरफ 15 फीट छोड़ेंगे, एक तरफ 25 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम इस पक्ष में हैं कि एक तरफा कार्य होनी चाहिए और पक्षपात बिल्कुल ना हो। ये सारे मजदूर हैं और इसमें शुगर फैक्ट्री की भी देन है कुछ। ये सारा मामले शुगर फैक्ट्री का है, शुगर फैक्ट्री का एक तरफा कार्रवाई जो हो रही है शुगर फैक्ट्री की दबाव के कारण ही हो रही है। पहले तो प्रशासन ने जो पहले कहा था कि जो नाला है, नाले से नाले तक की बाउंड्री दी हुई है कि नाले के पीछे कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो वो अतिक्रमण में नहीं है, क्योंकि नाला बाउंड्री है। और अगर आप इन दुकानों को देखिए, सारी नाले से पीछे ही है। आप उधर से लगा के लेके आए, इधर पल्ली साइड नाप के देखे 15 फीट इन्होंने लगाई है इंटरलॉकिंग, इधर कर दिया 24-25 फीट। आपके नंबर तो अभी तो वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है जी, शहर के अंदर है, गंदा पानी निकलता है जिससे तरह तरह की बीमारियां लोग बीमार। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये पब्लिक सड़क पर आ गई ना तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इतनी बाउंडेशन है जो हम लोग घेर रहे हैं, दिन प्रतिदिन इतनी गंदी छाई आ रही है, लोगों की आंखें खराब हो रही हैं। हम इस जिस पुल के नीचे खड़े हैं, बताइए इस पुल का क्या इनके पास इन्होंने इसका लिया हुआ है? ये अतिक्रमण में नहीं है क्या? अतिक्रमण में तो दीवार भी आ रही है बेर, अगर अगर आप दीवार सेंटर से सड़क को दोनों साइड नाप के देखेंगे तो मील की दीवार का बाउंड्री सारी बिल्डिंग ही खत्म हो जाएगी। आदि नलों का पानी खराब हो गया है, लोग कैंसर हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जनता चुप है। 24 घंटे जाम लगा रहता है उसके बावजूद। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार टंडन। नीरज जी, क्या मामला है? हम यहाँ 1984 से बैठे हुआ हूँ, मेरा खोखा जो है 1984 से है। अच्छा, और कन्फेक्शनरी की मेरी दुकान है, सब आसपास देहात के सब लोग मुझे जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मैं पूरे फैमिली जो है कैंडिडेट है हम। तो आज क्या अतिक्रमण हटने के? अतिक्रमण हटाने के लिए दिक्कत कुछ नहीं, 15 फुट जगह हमने छोड़ दी। अच्छा, अपने खोखे से आगे सड़क के किनारे से हमारे खोखे तक 15 फुट जगह, 11,000 लाइन के एकदम पीछे बैठे हैं हम लोग, और हम आश्वासन भी देते हैं कि हम अपना खोखा आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हमारे बच्चे हैं, बेरोजगार हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, इस उम्र में किसकी नौकरी करें हम? अच्छा, सामने वाली दुकानें जो है मील की तरफ से, उनका अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया? उनका 15 फुट से भी कम जगह है, हमने 15 फुट जगह खाली कर दी, उसके बावजूद भी हमें कल शाम 3 बजे के बाद में जो है हमें कहा गया कि ये खोखे हटवाओ। तो आपका मानना है कि सरकार दोहरी राजनीति कर रही है? सरकार कर रही है नहीं कर रही, लेकिन हमें पता नहीं कौन बीच का आदमी आके एकदम ऐसा फूट डाल दी कि खोखे उठाओ। 38 साल मुझे हो गए बैठे हुए, 80 साल के मेरे फादर हैं जो इसी दुकान पे बैठते थे और मैं अपने फादर के साथ बैठता हूँ। सर, अभी क्या समस्या है जो धरना प्रदर्शन चल रहा है? धरना प्रदर्शन ये चल रहा है कि ये जो खोखे वाले हैं बेचारे, ये काफ़ी पीछे हैं, और मिल वाला जो शुगर फैक्ट्री वाला उसका दूषित पानी चल रहा है यहाँ पे, जिससे आम पानी जो है वो काफ़ी खराब हो रहा है, उससे ये लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं।
इससे अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण तो ठेली रेड़ा जो रोड पे है वो है, उसको हटवाओ, उसमें क्या दिक्कत है। इन ये लोग गरीब आदमी है, रोजी रोटी का सहारा है, इससे अपने पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, इतने महंगाई के तौर पर कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे ये लोग, कहाँ फुटपाथ पे बैठेंगे। हटना चाहिए ना, सही बोल रहे हैं लोग, नियम तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ ही हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, इनकी तरफ ही हो रहा है, मौत को दावत दे रहे हैं, 11,000 की लाइन है ऊपर, उसके पीछे बैठे हैं जी, चल रही है अभी, चल रही है, हाँ बात चल रही है, अभी कुछ नहीं बात करेंगे उनसे। मिल ने भी काफी अतिक्रमण किया हुआ है, मुझे क्यों नहीं कह रहा है प्रशासन। सुगर मिल में आप ये देखिए जिस कैंप पीछे खड़े हुए हैं, सबसे पहला अतिक्रमण हो गई है, और पूरे खतौली के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे आप इस सड़क को नाप के देखिए दोनों साइड में, ये कम से कम 5-7 मीटर तो जगह है, ये तो सरकारी दबाई हुई है। तो ऐसा क्यों शुगर फैक्ट्री को क्यों नहीं कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ। मैम आप मोबाइल उठा रहे हैं, कहा जाएगा अगर ये लोग यहाँ से हटेंगे कोई मिल की दीवार भी हटेगी, पानी भी दूषित बताया जा रहा है। पानी तो यहाँ इतना दूषित है कि अगर आप पानी यहाँ चेक करा के देख लें तो जानवरों को नहीं लाएंगे, इतना दूषित हो गया है, दिन रात ही पानी छाई आ रही है, कम से कम सैकड़ों लोग अंधे हो रहे हैं, तरह तरह की आँखें खराब हो जाती है, हर सीजन में आप अगर आंकड़ा देखें तो 100 तक ऊपर होते हैं, कुछ नहीं इसको कहने वाला कोई नहीं, तो आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई आज तक। आवाज़ क्या जब जनता है, हम ये सरकार ही हो रही है, अपने खाने पीने के पीछे दो महीने दो साल कोरोना का चला जाए, लोगों के पास इतना समय नहीं है, मजदूर आदमी के पास जो चीज़ों में पड़े अपना खाने कमाने का चल जाए, अब बात पेट पर आ गई है लोग सबको पता है। लोग आप इसमें क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं पर जो जो अतिक्रमण है लेकिन वो ये ना हो कि लोगों को बेघर करके हटाए, ऐसे अतिक्रमण का क्या लाभ होगा कि लोग बेघर हो जाए, सड़कों पर आने का उतारू हो जाए। क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल। प्रभुदयाल जी क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो सारी है जी, जब यानी कि अगर यहाँ से जब रोजी रोटी छिन जाएगी तो फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ, हम कहाँ भुखमरी के कंगाल पहुँच जाएंगे साहब, हमारे तो बिल्कुल, हम तो सरकार शासन के हम खिलाफ नहीं है, सत्ता के साथ है, शासन के आदेश के अनुसार ही। हाँ सर, हमने जो है 15 फुट जगह जो है छोड़ रखी है, और 11,000 लाइन के पीछे भी हम कम से कम 3 फुट पीछे बैठे सर, लेकिन बताओ क्या करेंगे हम, ऐसी उम्र में कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, या तो सरकार हमें रोजगार दे, हम ये नहीं करें मतलब, बड़े कम से कम हमें सरकार रोजगार तो दे कि हमें किसी तरह का दे दे, बताओ क्या करें, इस ऐसी स्थिति में कहाँ जाएंगे ये बताओ। आप ये आंदोलन कब तक करेंगे? हम तो जब तक आखिरी दम तक करेंगे जी, हम तो अगर यदि हमें यहाँ से आत्महत्या करनी पड़ी ना, मिट्टी का तेल छिड़क के हम आग भी लगा लेंगे अपने में। सर ये आंदोलन चल रहा है या किस विषय में चल रहा है? आंदोलन किसी है क्या सरकार, ये है कि अब यहाँ पे कम से कम 50-50 साल से कोके रखे हुए हैं, जो सबकी मजदूरी आदमी कर रहे हैं, हमारे से बड़े भी हैं, अब हम उनके होए तो अब हम इस कोके से ही है, जो कुछ भी है हमारा परिवार चल रहा है। अब हमारे सामने जितनी सड़कें थी 15 फुट जगह छोड़ दीजिए, इंटरलॉक लगना था, अब इंटरलॉक लगने के बाद भी कह रहे हैं भैया खोके उठाओ, अब यहाँ से कहाँ जाएँ, सामने की सड़कें हैं जो दूसरी साइड, प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन तो आता है कि ऑर्डर है ऊपर से, ऑर्डर है कि उठाओ खोके यहाँ से, अब कल से हमारा कहना तो यह है अगर यहाँ से खोके उठे तो हम जाएँगे कहाँ, इतनी जगह पड़ी हुई है रोड पर से बच के बैठे हुए हैं, सिर्फ 5-5 फुट के खोके हैं जिसमें पड़े हुए हैं। मेरा नाम संजीव भाई। संजीव जी क्या दिक्कत आ रही है आपके सामने? हम जो गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी जो रोजगार छीन रहे हैं, मोदी सरकार जी कहते कि गरीब आदमी रोजगार देंगे, रोजगार दे कहाँ से, छीन रहे हैं हमारे से, जो हमारे सामने पक्की दुकानों में बैठे हैं वो किराए पर ठेले लगाते हैं, 3500 रुपये 4000 रुपये देते हैं उनसे, उन्होंने जाम लगवा रखा है सड़कों पर, हम 15-20 फुट पीछे बैठे हैं, हमें कह रहे यहाँ से हटाओ, मैंने अभी 1,00,000 रुपये लोन लिया था दुकान में लगाया है, उसी किस्त में बताओ कहाँ से भरूँगा, जब हमारा रोजगार ही खत्म हो जाएगा वहाँ से,